भागवत महापुराण की गौ माता की महर्षि जमदग्नि ऋषि जी महाराज की व्यासपीठ पर विराजमान अनंतस्य विभूषित समलंकृत विशुद्धानंद पीठाधीश्वर महामल्लेश्वर कथा सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज पंचम दिवस की कथा में उपस्थित समस्त भगवत प्रेमी बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद करते हुए, जिस प्रकार से कल आप सभी पूज्य महाराज श्री की वाणी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के पावन हर्षोल्लास में बहुत ही मंत्रमुग्ध होकर के इस पांडाल में ही सभी के चेहरे पे, सभी के जो है चेहरे पे एक ही भाव, एक ही खुशी झलक रही थी कि आज कोई अपने घर में न होकर के साक्षात गोकुल श्रीधाम वृंदावन में बैठ के सब मस्ती कर रहे हैं, सब उस पावन ठाकुर जी की जन्म उत्सव में इतने आनंदमय हो रहे थे। आज उन्हीं ठाकुर जी की सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन, गिरिराज पूजन की पावन कथा को हम आप मिलके पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पूर्व जिन यजमानों ने प्रातःकालीन वेला में यहाँ पूजन किया, मैं उन सभी यजमानों से निवेदन करूँगा कि वो मंच पे आकर के भागवत पूजन, व्यास पूजन करके कथा की ओर हम आप सभी बढ़ेंगे। सभी यजमानों से निवेदन कि अपनी अपनी धर्मपत्नी सहित मंच पे आएंगे, भागवत पूजन, व्यास पूजन, तदोपरांत श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में हम आप सभी गोते लगाएंगे। सभी आप सभी लोग भी वहीं से हाथ जोड़ के अपने सिर पे पल्लू रख के भागवत पूजन और व्यास पूजन करेंगे। ओम गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम्। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हस्तौ वृक्षाल्य अथ भगवद्ध्यानं पूजनम्। ओम वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विव्रतवासा कनककपिसं वैजयन्तीं च मालाम्। रंध्रान वेणुरधरसुधया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यं शुभदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। ओम भूर्वस्व श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि, पाद्योपाद्यं समर्पयामि, हस्त्योर्घ्यं समर्पयामि,
मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि सर्वांगे स्नानम समर्पयामि वस्त्रम ओम जुवाशुवाशा परिवीतयागात सौश्रेयान भवति जायमानः तम धीरा शकवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ओम भूर्वस्व श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रान्ते गंधानुलेपनम ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टांगरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो महवये प्रियं ओम भूर्वश्री मद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः गंधानुलेपनम समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि पुष्पं च पुष्पमालां समर्पयामि दूर्वांकुरां ओम कांडात कांडात परोहन्ते परुखः परुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनुशास्त्रेण सतेन च ओम भूर्वस्व श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः दूर्वांकुरान् समर्पयामि सुगन्धिद्रव्यं तैलं समर्पयामि त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं युवबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम भूर्वस्व श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि हस्तौ वृक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्या आशीदंतरिक्षकुं शीर्षोर्द्योः समवर्तत पदभ्यां भूमृद्धिसह श्रोत्रा तथा लोकान्नकल्पयन् ओम भूर्वस्व श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि ऋतुफलं समर्पयामि पुंगीफलं समर्पयामि तदुपरान्ते प्रार्थना पूर्वकम् ओम सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशायो श्रीकृष्णाय वयं नमः ओम भूर्वस्व श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि अत शुकपूजनम श्री सुखदेवाय नमः हंस हंसाय नमः ओम यम प्रव्रजन्तमनुपेतमवेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तरया जुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि ओम भूर्वस्व श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री सुखदेवाय नमः हंस हंसाय नमः तुलसी पूजनम ओम तुलसी हेम रूपत्वाम रत्नरूपाम च मंजरीम भवमोक्षम प्रजाम तुभ्यम अर्चयामि हरिप्रियाम ओम भूर्वस्व श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः तुलसी देव्यै नमः हरिप्रियायै नमः अथ व्यास पूजनम ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थाष्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं बोलो सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सभी यजमानों ने बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ में भागवत पूजन व्यास पूजन किया। इसी श्रृंखला में आज काफ़ी दूर दूर से नित्य प्रति ही इस पूज्य महाराज श्री की पावन जन्म स्थली पे भक्तगण पधारते हैं। आज भी कुछ महानुभाव भक्तगण हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार बाहर से आए हुए सभी भक्तों का जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों की तरफ से। हमारे बीच नित्य प्रति आप लोग देख रहे हैं जिनके सुंदर सहयोग से आज यह पंचम दिवस की कथा में हम आप सभी प्रवेश कर रहे हैं। देव ज्वेलर्स श्री अनिल चौधरी जी सह परिवार हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। मैं निवेदन करूंगा कि मंच पे आएंगे पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इसी श्रृंखला में हमारे बीच श्री धर्मपाल पालीवाल जी नजफगढ़ से सह परिवार उपस्थित हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वह भी मंच पे आए महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जिसका भी नाम पुकारे थोड़ा शीघ्रता करेंगे मंच पे आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेते हुए अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्री नरेश जी नांगलोई से सह परिवार हमारे बीच हैं। उनसे भी मेरा निवेदन कि वे भी मंच पे आए महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री महेश गुप्ता सह परिवार नरेला से हमारे बीच हैं। उनसे भी मेरा निवेदन कि वह भी मंच पे आए महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें।
श्री सुभाष चंद मंगला जी सहपरिवार नरेला से हमारे बीच हैं, उनसे भी मेरा निवेदन कि मंच पे आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राजेंद्र प्रसाद जी नरेला से हैं, उनसे भी मेरा निवेदन कि मंच पे आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। थोड़ा शीघ्रता करेंगे, जिसका भी नाम यहाँ से पुकारा जाए मंच पे आते रहें और प्रणाम करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करते हुए अपना अपना स्थान ग्रहण करें। श्री तेजराम खत्री जी की धर्मपत्नी जी नरेला से हमारे बीच हैं, उनसे भी मेरा निवेदन कि मंच पे आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री सुल्तान बैरागी जामनी से सहपरिवार हमारे बीच हैं, उनसे भी मेरा निवेदन कि मंच पे आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री सतपाल जी करनाल से हमारे बीच हैं, उनसे भी मेरा निवेदन कि वह भी मंच पे आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। जो यजमान थे, अगर उनका नाम बोला जाए तो वो लोग बैठे रहें, वो पूजन भी कर चुके हैं, आशीर्वाद भी ग्रहण कर चुके हैं। अगर यजमानों का नाम बोला जा रहा है तो वो नीचे ही बैठे रहें आराम से, क्योंकि वो पूजन कर चुके हैं। मास्टर सुरेंद्र पिल्लू खेड़ा मंडी से हमारे बीच हैं, उनसे भी मेरा निवेदन कि वे भी मंच पे आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती राजबाला व जो भी भक्तगण उनके साथ पिल्लू खेड़ा मंडी से हैं, उनसे मेरा निवेदन कि मंच पे आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री पवन गर्ग जी उर्फ पप्पा जी पिल्लू खेड़ा से सहपरिवार हमारे बीच हैं, उनसे भी मेरा निवेदन कि मंच पे आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री सूरजमल सिग्रोहा जामनी से सहपरिवार हमारे बीच हैं, उनसे भी मेरा निवेदन कि मंच पे आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री भान सेठ जी पिल्लू खेड़ा मंडी से सहपरिवार हमारे बीच हैं, उनसे भी मेरा निवेदन कि मंच पे आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। आशीर्वाद ग्रहण करते हुए पुनः अपना अपना स्थान ग्रहण करते रहें। श्री चांदीराम शर्मा सहपरिवार जामनी से हमारे बीच हैं, उनसे भी मेरा निवेदन कि मंच पे आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री बलवीर शर्मा सहपरिवार जामनी से हमारे बीच हैं, उनसे भी मेरा निवेदन कि मंच पे आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री हवा सिंह जैन दिल्ली नागलोई से हमारे बीच हैं, उनसे भी मेरा निवेदन मंच पे आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री रणवीर कॉलोनी से सहपरिवार हमारे बीच हैं, उनसे मेरा निवेदन कि मंच पे आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री सतपाल शर्मा पोपड़ा से सहपरिवार हमारे बीच हैं, उनसे भी मेरा निवेदन कि मंच पे आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री प्रदीप दलाल जी सहपरिवार जींद से हमारे बीच हैं, उनसे मेरा निवेदन कि मंच पे आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री रोशन जी हमारे बीच हैं, उनसे भी मेरा निवेदन कि मंच पे आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री धर्मवीर शर्मा जुलाना से फौजी साहब हमारे बीच हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि मंच पे आए, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। आशीर्वाद ग्रहण करते हुए सभी भक्तों से निवेदन कि अपना अपना स्थान ग्रहण करते रहें। आज देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली हरियाणा पंजाब से पूज्य महाराज श्री के पावन जन्म स्थली पे, महर्षि जमदग्नि ऋषि की तपस्थली पे, श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में गोते लगाने के लिए बहुत दूर दूर से भक्तगण यहाँ पधार रहे हैं, और बहुत ही सुंदर गाँव वालों का प्यार सम्मान उन्हें प्राप्त हो रहा है। इसी तरह आज बहुत दूर पटना बिहार से जो पूज्य महाराज श्री के इस संकल्प, इस मिशन के प्रति बहुत ही श्रद्धा और भावना रखते हैं, और हर तरह से इस श्री विशुद्धानंद गौसेवा धाम गौ हॉस्पिटल के लिए तत्पर रहते हैं, श्री गोपाल दास जी पटना बिहार से हमारे बीच पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जिस प्रकार से आप सभी को निरंतर पता है कि आज पंचम दिवस की कथा में कुछ ही क्षणों पश्चात हम आप सभी प्रवेश करेंगे श्री विशुद्धानंद गौ सेवा धाम गौ हॉस्पिटल गौ वंश सेवार्थ, जो यह सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, उस मिशन में जो भी दूर दराज से बाहर से जो भक्तगण इस सुंदर मिशन संकल्प में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, अपना नेक कमाई में से थोड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उन सभी भक्तों के लिए एक बार पुनः जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन। जिस प्रकार से जो जिस लायक है वो इस मिशन में, इस संकल्प में अपना सहयोग दे रहा है, और पूज्य महाराज श्री के ग्राम यानी जन्मस्थली से भी जामनी के निवासी भी, जामनी के जितने भी हमारे भाई बहन माताएं हैं, वो भी बहुत बढ़ चढ़ के
इस आयोजन में और गौ अस्पताल में अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियां समस्त ग्राम निवासियों के लिए, क्षेत्र निवासियों के लिए। संस्कार टीवी के माध्यम से जो भक्तगण इस आयोजन का श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी भक्तों से निवेदन अपील कि जिस प्रकार से आप निरंतर हमारे इस मिशन से, हमारे इस संकल्प से जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि अगर आप लोग किसी भी प्रकार से कैसा भी सहयोग इस गो हॉस्पिटल निर्माण के लिए करना चाहते हैं तो संस्कार टीवी पे जो नीचे स्क्रॉल प्ले हो रहा है उस पे हमारे HDFC अकाउंट नंबर, इंडियन ओवरसीज बैंक अकाउंट नंबर, PNB पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर प्ले हो रहे हैं। आप उन नंबरों पे अपना सहयोग DD ड्राफ्ट चेक कैश जमा करा के जो संपर्क सूत्र उस पे प्ले हो रहे हैं आप उन पे कॉल करके अपना नाम अंकित करवा सकते हैं। आपके नाम की घोषणा इसी मंच से नित्य प्रति सायंकालीन की वेला में कथा से पूर्व, आरती से पूर्व 1:30 बजे आपके नाम की घोषणा की जाएगी। आज गिरिराज पूजन का पावन पर्व, गिरिराज जी की सुंदर झांकी का दर्शन, गौ महिमा का वर्णन आप पूज्य महाराज श्री से श्रवण करेंगे। और मैं एक विशेष निवेदन कर दूँ, कल भी मैं बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि यहाँ के जो स्थानीय भक्त हैं, जो आसपास क्षेत्र से, गांव से, शहर से आ रहे हैं, उनसे मैं एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जो भी गौ हॉस्पिटल के निमित्त या इस आयोजन के लिए अपना सहयोग, अपनी सहयोग राशि, अपना दान प्रदान करना चाहते हैं, बाहर लेफ्ट साइड में गौ हॉस्पिटल का कार्यालय बना हुआ है, वहां संपर्क करके, वहां पे सहयोग दे करके रसीद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम आप सभी चलेंगे सीधे पूज्य महाराज श्री के पावन दर पे, वहीं से एक बार हाथ जोड़ के भागवत जी को प्रणाम करते हुए पुनः एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन, अभिनंदन, निवेदन करते हुए कि आज पंचम दिवस की कथा में उसी क्रम में हम सभी भक्तों को ज्ञान के गोते लगवा के हमारे जीवन को धन्य एवं कृतार्थ करें पूज्य महाराज श्री। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री व्यास जी महाराज की जय। गौ माता जय श्री कृष्ण। स्वस्ति श्री No.
नमो स्तुते पातकीनास्ति पापग्नि त्वच्छमानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम् Thank you.
पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब में हाँ सब में, सब में हाँ सब में, सब में निहारूं रूप सुनहरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, प्यार हो सत का एक बार हो सत्कार हो एक बार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे पर याद हो इशारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, तेरा ही डेरा, यो
पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, जो बीते जाए जीवन मेरा, हाँ डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यो बीते जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, हाँ यो बीत जाए जीवन मेरा, हाँ यो बीत जाए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री चंदग्नि ऋषि जी महाराज की जय, नगर खेड़े की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री द्वारिकाधीश की जय, परम मंगलमय परात परकलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान छकल्पतरु तड़िदिति विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुरा, प्रिय बंधुवर्ग, मातृशक्तियों, कथानुरागी बंधुओं, आइए इस कथा गंगा में स्नान एवं पान करें। क्यों? क्योंकि इसके स्नान का भी महत्व है और इसके पान का भी महत्व है। यहां स्नान कैसे होता है, यहां बैठ जाते हो और जब इस कथा की अमृत वर्षा हो जाती है तो तन की शुद्धि हो जाती है, और जब यहां बैठकर तुम गाते हो, उसका मंथन करते हो, तो साथ साथ में उसके मन की भी शुद्धि हो जाती है, और तन और मन दोनों शुद्ध हुए तो भगवत प्राप्ति निश्चित। क्या निश्चित? कितने समय में तन शुद्धि हो जाती है, कितने समय में मन शुद्धि हो जाती है? जितने समय में तुम चाहो। भगवान इतना सहज है, इतना मीठा है कि जितनी जल्दी मन को शुद्ध कर लोगे उतनी जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और जिस रूप से तुम चाहते हो उसी रूप से हो जाएगी। क्या भगवान ये नहीं कहता कि तुम मेरे अनुसार चलो, भगवान कहता मैं तुम्हारे अनुसार चलने के लिए तैयार, बशर्ते तुम एक बार लग और जिस रूप को तुम चाहते हो उसी रूप में आने के लिए तैयार। इसलिए हमारे भगवान का नाम है नारायण। क्या नाम है? नार माने होता है जल और अयन माने घर। जल के अंदर जिसका घर हो, जल ही जिसका घर हो, उसे नारायण कहते हैं। क्या? जल ही जिसका घर हो उसे नारायण कहते हैं। और जल का कोई आकार नहीं होता, उसको कप में डालो कप जैसा बन जाता है, गिलास में डालो गिलास जैसा बन जाता है, थाली में डालो थाली जैसा बन जाता है, मटके में डालो मटके जैसा बन जाता है, मग्घे में डालो मग्घे जैसा बन जाता है, नाली में डालो नाली जैसा वो बन जाता है। जैसा तुम बनाना चाहो जल वैसा ही हो जाता है। जिसका घर ऐसा है तो वो खुद कैसा होगा? और एक बात कहूं, जल में ही वो सामर्थ्य है
जो तुम्हारी हर चीज की शुद्धि कर सकता है क्या? और मेरे नारायण के नाम में ही वो सामर्थ्य है जो तुम्हारे मन की शुद्धि कर सकता है। किसी का हुआ है? हाँ, ये भागवत बताने लगी। परीक्षित साक्षी यत श्रम गति मुक्ति कुति कथने, सुनने मात्र से जिसका मन शुद्ध हुआ वो है पांडुराज राजा परीक्षित। सुनने मात्र से जिसका मन शुद्ध हुआ वो धुंधुकारी जो प्रेत बना हुआ था उसका शुद्ध हो गया। सुनने मात्र से जिसका मन शुद्ध हुआ वो मां पार्वती है। सुनने मात्र से जिसको सब भूल गया मां पार्वती कहती। क्यों? सुनने से भक्ति की प्राप्ति होती है, सुनने से तृप्ति होती है, सुनने से संतुष्टि आती है, सुनने से संतोष आ जाता है। इसलिए मां पार्वती से जब पूछा भोले बाबा ने, इस कथा को सुनकर तुझे क्या मिला? ये कथा सुनी, इस कथा सुनने से तुझे मिला क्या? तो मां पार्वती बता रही है, मैं कृतकृत्य भयउ अब तव प्रसाद विश्वेश उपजी राम भक्ति दृढ़ और बीते सकल कले। मैं कृतकृत्य भय अब तव प्रसाद विश्वे उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कले। मैं कृतकृत्य हो गई, मैं धन्य धन्य हो गई। क्यों? मेरे सारे कलेश मिट गए और कृष्ण के नाम में ही क्लेशों को मिठाने की सामर्थ्य। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण ही क्लेशों को काट सकता है, कथा ही तुम्हारी व्यथा को मिटा सकती है। परमानेंट यदि सल्यूशन चाहते हो, परमानेंट यदि समाधान चाहते हो तो कथा गंगा में डुबकी लगा दो बस। हाँ, जो तंत्र मंत्र वाली विद्या वाले हैं, जो भूत प्रेत की तांत्रिक विद्या को करते हैं, वो भूत को बांध सकते हैं, उसको मुक्त नहीं कर सकते। क्या? कुछ समय के लिए वो बांध सकता है लेकिन मुक्त नहीं कर सकता। मेरी भागवत में ही सामर्थ्य जो भूत को भी मुक्त कर सकते। परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट समाधान केवल और केवल भागवत और कुछ भी। क्या? कौन कह रहा है ये बात? एक भूत कह रहा है, एक प्रेत कह रहा है ये बात कि गया श्राद्ध स्तेना फिर मुक्ति में न भविष्यति। गया में 100 बार जाकर के श्राद्ध कराओगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं है, मंत्र तंत्र के चक्कर में पड़ोगे तो मेरी मुक्ति नहीं है। और उसके बाद मुक्ति का साधन एक ही निकला। क्या? किसने बताया मुक्ति के साधन? सूर्य नारायण ने। किसने बताया? बोलो। श्रीमद् भागवत अनुमुक्ति, ये सूर्य कह रहे हैं। किसको? गोकर्ण जी महाराज, गौ के बेटे। श्रीमद् भागवत अनुमुक्ति वाचनम कुरु, उसको कहते हैं कि इस प्रेत को सप्ताह कथा सुना तो मुक्त हो जाएंगे। और हमारे अखंडानंद जी महाराज ने तो कितने प्रेतों की मुक्ति की है। वृंदावन में अखंडानंद जी महाराज प्रेतों के लिए कथा करते थे। हमारे राजेंद्र दास जी ने न जाने तुम्हारे जयपुर की घटना वो बता रहे थे कि जयपुर में जहां कथा करने गए भूत सामने खड़े हो गए उसके। क्या? प्रेत सामने खड़े हो गए उसके। लेकिन जिसकी जिंदगी में भागवत उतर गई हो मेरे भाई बहन, वहां भूत उनके सामने खड़ा होकर के कह रहा है कि यहां जो आया हमने रहने नहीं दिया उसको, उस तांत्रिक को भी मार डाला हमने, लेकिन पता नहीं तेरे अंदर क्या भरा है, हम तेरे पास ही नहीं आ सकते। हनुमान जी के पास प्रेत क्यों नहीं जाता? पता है क्यों नहीं जाता? क्योंकि हनुमान जी के अंदर कथा भरी है। क्या भरी है? बोलो। हाँ, हनुमान जी जहां भी बैठते हैं वहां कथा सुनाने लगते हैं।
वहां लंका में भी गए तो विभीषण की कुटिया को देख करके वही कथा शुरू कर दी। क्या लंकनी को देख करके वही उपदेश शुरू कर दिया, सुरसा को देख करके वही उपदेश शुरू कर दिया, ले जिसको भी देखते हैं मेरे हनुमान जी वही कथा शुरू। इसलिए कह दिया शुरुआत में, भैया मुझे जो मिला है तो इस बात को लिख लेना, श्री गुरु चरण सरोज रज, ये बात कह रहे हैं, निज मन मुकरे सुधा, गुरु के चरणों की रज डालो ताकि मन सुधर जाए। क्यों? क्योंकि फिर मन सुधर गया तो तुम्हारा मन कथा में लगना लग जाए, और कथा में लग गया तो फिर क्या हो गया कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सही रोग हरे सब पीरा, सुनिए ना सही रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी कहते हैं कथा को उतार लो जिंदगी में, जिंदगी बच जाएगी। राम चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सुनिए क्या करे, राम चरित्र सुनिबे को रसिया, राम चरित्र राम चरित्र राम चरित्र अर्थात राम कथा, राम चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, इसलिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, क्यों? राम चरित्र सुनिबे को रसिया, राम चरित्र सुनिबे को रसिया, राम कथा के रसिक हैं वो। क्या जानते तुम हनुमान के बारे में? हाँ, हनुमान कथा पूरी सुननी है तो नरवाणे में आ जाना, नौ से मेरी हनुमान कथा ही है। हाँ, हनुमंत कथा ही है, देखा ना, रामचरित्र सुनिबे को रसिया, उससे क्या हो जाएगा, रामचरित्र राम कथा सुनने से क्या हो जाएगा, राम लखन सीता मन बसिया, भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों समर्पित हो जाएंगे, और जब तीनों इकट्ठे हो जाएंगे तुम्हें मेरा राम मिल जाएगा, तुम्हें मेरा कृष्ण मिल जाएगा। रामचरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, पढ़ा करो भैया। और यहां भी लिखा है यस्याः श्रवण मात्रेण, यस्याः श्रवण मात्रेण, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये, वही बात हनुमान जी कह रहे हैं, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये, भगवान तुम्हारे चित्त से निकल जाएगा बाहर, न दिखने वाली चीज दिखने लग जाएगी, एक बार बाहरी जो बुद्धि है, जो बुद्धि कुमती हो गई है वो बुद्धि सुमती हो जाएगी, और जहां सुमती तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमती वहां विपत्ति निदाना। क्या? जहां सुमती वहां संपत्ति नाना, वहां कोई कमी नहीं रहा करती भैया, और जहां कुमती वहां विपत्ति निदाना। इसलिए सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा रोज सुनो। क्यों? क्योंकि यही तो ईश्वर श्रीमद् भागवती महामुनि कृते किं महापरेश्वर किं वापरेश्वर किं वापरेश्वर किं वापरेश्वर, यदि सुन लोगे तो क्या हो जाएगा, सद्य हृदय वृद्ध तत्कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, बिल्कुल साफ लिया, शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, सुनने से तुरंत प्रकट हो जाएगा, है ना। और यदि नहीं प्रकट हो रहा होता, नहीं वो होता, तो तुम भाग भाग के इतनी दूर से क्यों बैठे हो? बोलो, यदि वो नहीं प्रकट हो रहा है कथा से, तो फिर तुम्हें कथा से इतना प्रेम क्यों? अपना घर बार दुकानदारी सारी छोड़ के यहां बैठी क्यों? क्योंकि यहां सबसे प्यारी चीज मिलती है। क्या है सबसे प्यारी चीज? मेरा परमात्मा। क्या देखिए, राजा परीक्षित को मिल गए कल,
लेकिन कब मिलेंगे? प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, तब मिलेंगे। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया? हाँ, और देवालय बनते ही संतो उत्पत्ति हो जाती है, संत प्रकट हो जाता है, और जो ही संत प्रकट हुआ तो मानिए भगवान प्रकट होगा। इसलिए कह दिया मुनि सुखदेव ने, अब तुम संत बन गए हो, क्यों? अब भगवान प्रकट होगा। सम्यक विस्ता बुद्धि तब राज ऋषि वासुदेव कथायांते यज्जादा 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 नष्ट की रति। रति मीन्स प्रेम, रति माने क्या होता है? प्रेम। यज्जादा नष्ट की रति, यज्जादा नष्ट की रति, यज्जादा नष्ट की रति, रति यज्जादा नष्ट की रति। क्या प्रेम हो गया है? और प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। के अंदर से प्रकट हो गया और कहने लगा अब आप कथा बंद मत करो। कितने दिन में प्रकट हो गया? कितने दिन में? चार दिन। कितने दिन में? तुम्हें भी बैठे बैठे हो, तुम्हारे अंदर प्रकट हुआ? बोलो क्यों? दुनियादारी नहीं छूटती। और उसने क्या कहा? छोड़ दा, अपने राज्य को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा और गंगा किनारे बैठ के गंगा जल भी नहीं पिया। गंगा किनारे बैठा है और गंगा जल भी नहीं पी रहा। बार बार वो महात्मा कह रहे थे गंगा जल तो पी ले, अमृत है, अमृत है, अमृत है ये। हाँ गुरुदेव, अमृत तो पीना चाहता हूं लेकिन गंगा में बहने वाला नहीं तो आपके मुख से निकल रहा है, ये पिला दो। हाँ, ये पिला दीजिए मुझे, अब रुक मत। वो लगी फिर तन बदन में आग उससे मिलने की, वो उठा जनू है ना, वो छा गया नशा। मेरा ठाकुर प्रकट हो गया। देखो जब तुम उसके बन जाओगे, जब तन बगन में एक उसे मिलने की एक आग लग जाएगी, एक तृष्णा जाग उठेगी, एक जुनून प्रकट होगा, तो भगवान बाहर से नहीं प्रकट हो रहा, भगवान अंदर से प्रकट हो रहा है। और बाहर से भी आएगा वो जता देगा कि मैं उसका हूं, मैं उसके लिए आया हूं। क्या देखिए, आए तो देव के और वसुदेव के यहां, लेकिन कह रहे मुझे गोकुल छोड़ के आओ। ले क्या कह रहे हो? मुझे गोकुल छोड़ के आओ। वसुदेव जी कह रहे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्यों? अरे हमारे हथकड़ियां लगी हैं, बेड़ियां लगी हैं, ताले बंद हैं, पहरेदार चारों तरफ बैठे हैं और कह रहे हम गोकुल छोड़ के आओ। कैसे जाओगे? कि जाना था मुझे है। क्यों? क्योंकि मेरे को चाहने वाला वहां बैठा है, मेरी चाहत वहां बैठी है। मैं तो केवल तुम्हें वचन दे चुका इसलिए तुम्हारे पास आया हूं। लाड तो उसने ही लड़ाना है। किसने?
नंद बाबा और माँ यशोदा ने, इसलिए जबरदस्ती कह रहा मुझे वहां छोड़ गया हो। अरे कैसे ले जाएंगे, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तू तैयार तो हो क्या? और जो ही तैयार हुआ तो मेरे ठाकुर ने सारे दरवाजे खोल दिए ना, बोलो हथकड़ियां बेड़ियां टूट गई ना अपने आप, सारे दरवाजे खुल गए और वहां प्रकट हो गया। कहां से? अंदर से। बाहर का तो दिखावा था, असली भगवान तो अंदर से। नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता लादो महामना, आहुय विप्राण वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृता। वो देखिए वो प्रकट हुआ, नंदस्त्वात्मज उत्पन्न अंदर से प्रकट हुआ है, आत्मा से प्रकट हुआ है। लेकिन कब? जब आह्लाद होगा भगवान से मिलने के लिए, मैं उसे मिलना चाहता हूं। हाँ? और दोनों पति पत्नी सुबह सुबह अपना अपना स्वप्न सुना रहे हैं, कहा ऐसा स्वरूप निकला सामने, प्रकाश ही प्रकाश, और वो आपके शरीर से निकल के मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। और यही नंद बाबा सुना रहे, ऐसा ही स्वप्न मुझे आया कि वो मेरे शरीर से निकल के आप में प्रवेश कर गया। और जो ही सुबह स्नान करने गए तो ब्राह्मणों ने भी आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्रवान भव। और 80 साल की उम्र में घटित घटना घटी है ये, देखिए सब कुछ अनुकूल होता है। क्या सब कुछ अनुकूल होता है? जो रहे बार तिथि सकल भयो अनुकूल, योग ग्रह बार तिथि सकल भयो अनुकूल, सब कुछ अनुकूल हो जाता है जब वो आता है तो, ठीक है ना, सब कुछ अनुकूल हो जाता है। और फिर गूंजने लगते हैं मंत्र, आहुय विप्राण वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृत। सारी सखियां भाग रही हैं उसकी तरफ, क्यों? मैंने कहा ना, भगवान कहता है कि तू मेरा एक बार बन जा, यदि सारी दुनिया को तुम्हारी ना बना दूं तो फिर कहना मुझे। मेरे मार्ग पर तू एक कदम रख के तो देख, तेरी तरफ 100 कदम ना बढ़ा दूं तो मुझे कहना। हाँ, वो देखिए नंद बाबा के जहां आए सारी दुनिया बधाई ले लेकर के उधर ही भाग रही है।